Hey guys, what's going on? My name is Akhil Chaudhary and welcome back to my new video. तो गाइज आपको आज की वीडियो पता लगी गई होगी थंबनेल से कि किसके बारे में होने वाली है। तो गाइज आज फूड इंडस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे जो कि है फ्रूट। शुरू से लेके आखिरी तक देखना गाइज वीडियो को, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है उसकी प्रोसेसिंग वर्किंग, कैसे हम वर्किंग करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। उसे बिना कोई टाइम वेस्ट करें सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, जहाँ पे मैंने मेन अच्छी तरह से आपको समझा रखा है कैसे हम डायबिटीज के लिए उसे समझ सकते हैं उसकी वर्किंग को बिल्कुल अच्छी तरह से। सिंपल डायग्राम ऑफ पिलर जो कि इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री में यूज होती है। तो नॉर्मली गाइस बहुत तरह के पिलर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको वेजिटेबल पिलर से समझाना बेहतर समझा। तो गाइस ये वेजिटेबल पिलर्स के लिए नॉर्मली यूज होता है ये पिलर। तो गाइस इससे पहले कि मैं प्रोसेसिंग बताऊँ, इससे पहले मैं आपको कॉम्पोनेंट बता देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और क्या कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ पे है। तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कैसे इंडस्ट्री लाइन में अपीलिंग हो पाती है हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की। तो गाइस ये हमारा फीडर है जहाँ पे हम फीड डालते हैं, फीड होपर जिसे गैप देते हैं। तो यहाँ पे हम फीड डालते हैं गाइस, ये जाता है हमारे इस सेक्शन में। इस सेक्शन को गाइस हम दोनों के सेक्शन में जाते थे, ये है पैडल और इस पैडल जो कि गाइस मैंने यहाँ पे बता रखा है ये गाइस पैडल है। ये पैडल गाइस करते हैं क्या कि यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल है बहुत वहाँ पे टिक जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रा प्रोड्यूस यहाँ पर टिक चुका है। तो गाइस इस पूरे ढांचे को हमें फूड से रिप्रेजेंट किया गया है और जो आउटर लेयरिंग ऑफ सिलेंडर है उसे हमने बताया गया है वो रिटेनिंग शील्ड है। तो गाइस ये एक सिंपल फीड लाइव फीड कह सकते हैं टैब है एक तरह से। टैब को हम जब ऑन कर देते हैं तो सारी लाइट इस टैंक के अंदर आ जाती है। गाइस ये टैंक क्या करता है, इसे कलेक्ट कर देता है और ये हमारे हैं स्टीम कॉइल। स्टीम कॉइल गाइस आप बोलेंगे कि स्टीम कॉइल क्यों यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। तो गाइस इसका मेन रीज़न यही होता है कि अगर हम गर्म करके लाई को इस्तेमाल करें किसी फूड मटेरियल के लिए तो इट्स बिकम इजी टू पील ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द एनी वेजिटेबल्स। मतलब कि आसानी से इसकी वेजिटेबल या फ्रूट की लेयर आसानी से उतर जाती है जब हम उसे वॉशिंग एरिया में डालते हैं। तो गाइस ये स्टीम का यही रोल है कि ये लाई को गर्म कर देता है और जो आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड बैफल है, यहाँ से लाई और फूड मटेरियल एक दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो गाइस ये है गाइस इसका ड्रेन मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है और जो लाई होगा वेस्ट लाई होगा उसे ड्रेन कर देते हैं या सब क्लीन आउट कर देते हैं। ये हमारी स्टीम कॉइल है जो कि गर्म करने के लिए यूज़ होती है और ये है ट्रीटेड प्रोड्यूस जो कि वॉशर के लिए हमें यूज़ करनी है। मतलब कि जो भी हमारा मटेरियल निकल के आ गया है तो ये परफोरेटेड ड्रम होता है गाइस, ये सारा जितना भी ड्रम होता है ये परफोरेटेड के बीच में शाफ्ट लगे होते हैं जो कि आपको इस साइड को रोल करते हुए नज़र दिखाई देती है, जैसे गोल गोल गाइस ये घूम रहा होता है। तो गाइस ये था कि सिंपल इसके कंपोनेंट। अब गाइस मैं बताता हूँ इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो गाइस इसमें होता क्या, सबसे पहले हम फीड डालते हैं अपने फीड होपर से, पैडल के थ्रू ले जाता है लाइट के अंदर, लाई टैंक के अंदर गाइस क्या होता है कि स्टीम कॉइल लगी होती है जो कि इसे गर्म कर देती है लाई को। तो गाइस इसका भी टेम्परेचर डिपेंड करता है जो फूड मटेरियल है इसके अंदर हमने डाला हुआ है। मतलब किसी जैसे कि सिंपल कह सकते हैं हम पोटैटो के लिए अलग टेम्परेचर होगा, कैरेट के लिए अलग टेम्परेचर होगा। तो इस डिपेंड करता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर इस लाई को इसे गर्म किया जाता है। इस गर्म करने के बाद जब गाइस ये गर्म कर देती है इसकी आउटर स्किन होती है जो फूड मटेरियल की वो लूज होने की शुरू हो जाती है, मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद हम इसे वॉशर के अंदर डालते हैं। वॉशर गाइस ये कहते हैं मटेरियल जहाँ पे हम इस फूड मटेरियल को बाहर निकालते हैं और वॉशर के अंदर गाइस हम जेट वाटर स्प्रे से इसकी पील उसे रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी आउटर स्किन रिमूव हो जाती है और हमारी प्रोसेसिंग फर्दर शुरू हो जाती है फूड मटेरियल की। अगर ये सिंपल डायग्राम है से बताने के लिए, या फिर गाइस हम जेट स्प्रे से कर देते हैं
या फिर सिंपल इसे हैंड पील से भी हम रिमूव कर सकते, डिपेंडिंग ओवर द लेवल हमारे पास कितनी है। पर ज़्यादातर हमारे जेट स्प्रे वाटर से ही हम इसे रिमूव कर देते हैं, जो कि ठंडा पानी होता है। अच्छी तरह से तेज जेट बोलते हैं कि जेट स्प्रे वाटर मतलब कि तेज धार पानी की हम मारते हैं फूड मटीरियल से, उसकी पील ऑफ हो जाती है और बची खुची मटेरियल होता है वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए चल जाता है, जो कि है कटिंग कुटिंग के लिए। तो गाइस यही सिंपल आ, तो गाइस दिस इज द वार्निंग। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसे लाइक करते हुए जाना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चलिए गाइस एक टारगेट लगाते हैं, अगर आप इस वीडियो को 20 लाइक देते हैं तो मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँगा जहाँ पर मैं खुद डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो पे। जय हिंद।